अगर आम बजट में बढ़ाया गया इस पर टैक्स तो छोटे बिजनेस पर पड़ेगा असर। कोरोना महामारी ने निजी जिंदगी हो या प्रोफेशनल, सब पर बहुत बुरा असर डाला है। जहां एक तरफ लोगों ने कोरोना के कारण अपनों को खोया है, वहीं छोटे बिजनेस से लेकर दुकानदारों पर भी काफी बुरा असर पड़ा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। कोरोना के चलते हेल्थ सेक्टर की तरफ अब सरकार का ध्यान ज्यादा है। सरकार इस बार फाइनेंस को लेकर काफी अलर्ट है। वहीं कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए भी सरकार को पैसे की जरूरत होगी। जीडीपी के लगातार गिरते ग्राफ को मद्देनजर रखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त मंत्री तंबाकू उत्पादों, सिगरेट्स पर टैक्स बढ़ा सकती हैं। सरकार ने अक्टूबर 2021 में तंबाकू आइटम्स पर नए टैक्स फॉर्मेट तैयार करने के लिए विशेष समिति का गठन किया था, जिसे बजट पेश होने से पहले इस मामले पर सुझाव देना था, लेकिन अभी तक कमेटी ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। माना जा रहा है कि कमेटी तंबाकू उत्पादों की खपत को कम करने के लिए टैक्स बढ़ाने का सुझाव दे सकती है। समिति सभी तरह के तंबाकू के वर्तमान टैक्स ढांचे की समीक्षा करने के बाद ही अपना पक्ष तय करेगी। WHO के फ्रेमवर्क कनेक्शन को फॉलो करते हुए तंबाकू प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाकर उसकी खपत को कम करने की कोशिश में है। टैक्स के बढ़ने पर क्या असर होगा बीड़ी बिजनेस पर? बीड़ी बिजनेस भारत में बड़ी मात्रा में किया जाता है। इस पर बहुत सारे मजदूरों के परिवारों का खर्च निर्भर है। बीड़ी उद्योग देश में 4 से 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार और आजीविका प्रदान कर रहा है। इनमें से ज्यादातर श्रमिक गरीब घरों की महिलाएं हैं, और जो उत्पाद के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले तेंदू पत्ते इकट्ठा करके इस बिजनेस को चला रही हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SJM के सह संयोजक अश्विनी महाजन ने मांग की है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम यानी COTPA में प्रस्तावित संशोधनों के दायरे से बीड़ी को बाहर रखा जाए तो बेहतर होगा। स्वदेशी जागरण मंच SJM ने सरकार से बीड़ी पर टैरिफ में कटौती करने का आग्रह किया है, क्योंकि बीड़ी पर टैक्स बढ़ोतरी से गरीब लोगों पर ज्यादा असर पड़ेगा। सरकार रोजगार के दूसरे ऑप्शन अवेलेबल कराए। अपनी आजीविका कमाने के लिए जो मजदूर बीड़ी उद्योग पर निर्भर हैं, उनको पहले कोई ऑप्शन जरूर प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। बीड़ी उद्योग पहले से ही 28% GST के कारण नुकसान झेल रहा है। बीड़ी पर टैक्स में और बढ़ोतरी से लाखों लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी। बजट पेश करने से पहले सरकार और वित्त मंत्रालय को इनके पॉइंट्स पर जरूर एक बार विचार करना चाहिए, जिससे छोटे बिजनेस और मजदूरों पर इसका असर ना पड़े। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।